छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। बताया जा रहा है कि स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय कैंपस में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पीटा है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के सामने दोनों गुटों में मारपीट हुई है। इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है। इस घटना के बाद एबीवीपी के छात्रों ने थाने में लिखित शिकायत की है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। एबीवीपी के छात्रों का आरोप है कि 3 फरवरी को एनएसयूआई के कुछ लोग शराब के नशे में धुत होकर स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय में बीएससी अंतिम वर्ष की छात्र कक्षा में घुस गए थे। यहां अपने मोबाइल फोन से किसी एक लड़की की फोटो दिखाकर उसके बारे में क्लास में बैठी छात्राओं से पूछने लगे थे। इसी बीच एक छात्रा क्लास रूम से निकलकर सीधे प्राचार्य के पास पहुंच गई। इस मामले की जानकारी दी गई। फिर एनएसयूआई के छात्रों को जाने के लिए कहा गया था। एबीवीपी के छात्रों ने बताया कि इस मामले की जानकारी उन्हें मिली 4 फरवरी को। वे इस मामले का विरोध करते हुए और उन पर कानूनी कार्यवाही कराने की मांग को लेकर प्राचार्य से मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। करीब 60 छात्राओं ने एनएसयूआई छात्रों के खिलाफ लिखित आवेदन दिया था। जब वे वहां से लौट रहे थे तो उस समय अचानक एनएसयूआई के लोग कैंपस के अंदर घुस गए। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।